साइटी का हो रहा है, दही इधर साइड में दर्द हो रहा है इनको, यहाँ कुल्ले से लेकर और यहाँ तक पैर में दर्द आ रहा है, इसको साइटिका बोलते हैं। इसको बोलते हैं MRI रिपोर्ट है L45S1। तो ये कई बार झटके से हो जाता है, झटके से पैर रखने से भी हो जाता है, या कोई लेटे लेटे भी हो जाता है, या ज़्यादा देर खड़ा होने का काम है तब भी हो जाता है ये साइटिका। और अभी इनको 15 दिन से शुरुआत ही है ये, और यहाँ से ये दर्द है ये यहाँ तक जाता है, और इसके लिए हमने अपनी बाम बना रखी है और इससे मसाज करनी है, और पॉलीथीन डाली, जैसे हमने ग्लाउज तो फट जाते हैं ऐसे पॉलीथीन डाली, और यहाँ से ऐसे दवाई उठाई और हल्के हाथ से मसाज करनी है इनकी, रमाना है हमें इसको कुल्ले पे से, यहाँ से है ना, यहाँ से रमाना है, हल्के हाथ से दबाना है, सिर्फ मालिश करनी है, हल्के हाथ से दबाना नहीं है कोई भी, बिल्कुल भी। बाम अपना खुद का बना हुआ है ये, और नौ दस चीज़ें हैं, और लेकिन घर पे हर एक से बनेगा नहीं, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि इसकी तासीर हमें अपने हिसाब से बनानी पड़ती है, कहीं वो ज़्यादा गर्म होता है वो एलर्जी बन जाती, नहीं तो अपने हिसाब से करना पड़ता है। और ये हल्के हाथ से मसाज करनी है, बस उसने नस के लिए यहाँ से पॉइंट हल्के हल्के ना ये ऐसे प्रेस करने पड़ेंगे, ये पॉइंट ये प्रेस करने हैं, और हमें रीढ़ की हड्डी चटकानी नहीं है इनकी, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल चटकानी नहीं है, सिर्फ पॉइंट हो गए नसों पे मसाज करनी है हल्के हाथ से, जैसे ना नसें हैं यहाँ पे L45S1 के, यहाँ पे नसें हैं, यहाँ पे मसाज करनी है उंगलियों से, दो उंगलियों से ऐसे ऐसे हल्के हाथ से ऐसे ऐसे करनी है, और फिर पूरे हाथ से, हमने हथेली नहीं लगाई, हाथ से हल्के पूरे हाथ से हल्का हल्का सा प्रेशर दे के मसाज करनी, हल्का सा प्रेशर, ज़्यादा देर नहीं, इधर से भी साइड से भी कर सकते हो आप, और यहाँ पे कुल्ले पे यहाँ पे ऐसे मसाज करनी है, ऐसे मसाज करो, और ऐसे यहाँ पे गट्टे तक मालिश करनी है, यहाँ पर इसको गुट्ठे से प्रेशर देना है यहाँ पे थोड़ा, और ये साइड से ना ये हड्डी है, एक साइड में देखो यहाँ पे ये हड्डी है, इसे हड्डी से थोड़ा पीछे ही साइड मसल सी महसूस होगी, वहाँ पे मसाज करनी है हल्के हाथ से, नॉर्मल से दबा के ऐसे ऐसे मसाज करनी है, दवाई लगा के ही, ज़्यादा नहीं दबाना, नॉर्मल सा जैसे वो सहन कर दे, ज़्यादा दबाना नहीं है बिल्कुल, जिनको जैसे इसको पेशेंट को अच्छा लगे, दबाना नहीं है, दबाने से समस्या और बढ़ जाएगी, दोनों उंगलियों से और अंगूठे से, यहाँ इस ये हड्डी है यहाँ पे, और हड्डी के साथ में ये इधर ये जगह ऐसी है खाली सी, यहाँ पे दबाना है 5 मिनट ही, 5-7 मिनट बस, ज़्यादा नींद निकलनी है, और यहाँ पे उल्टा सुल्टा जैसे मर्जी कर सकते हो इसको, इसका ऐसे नहीं कि हमने ऐसे नीचे उतारना है ऐसे ऐसे करना, नहीं जैसे मर्जी, हमने दवाई अंदर रमानी है इनमें, जैसे पॉलीथीन से कर रहा हूँ मैं, हर पेशेंट को हाथ से तो कर नहीं सकता इसलिए मैं पॉलीथीन से कर रहा हूँ, लेकिन जो घर पे करनी है वो हाथ से ही करनी है, वो जल्दी दवाई रम जाएगी, और उसके बाद साबुन से हाथ धो लो बस, ये करीबन 1 हफ्ता तो करनी है रेगुलर, दिन में 3 बार करनी है इन्होंने 1 हफ्ते तक, हाँ हफ्ते में फ़र्क पड़ जाएगा 80%, और 2-3 हफ्ते में बिल्कुल साइट का सही हो जाता है, उसमें दही लस्सी अचार और जैसे कि आंवला है ये ले सक, ये लेना नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल बंद करना, ये खट्टी चीज़ें नहीं, जैसे कि शाम की सब्ज़ी बची है सुबह खा लेनी है, ये जी नहीं, ताज़ा खानी है फिलहाल 1 महीने तक, सावधानी कुछ लेटने बैठने तरीके से वो आपको मैंने पहले पहले बता दिए होंगे, और इसमें ज़्यादा घूमना नहीं है, जैसे कि मॉर्निंग वॉक चले गए भैया हम, देख घंटा दो घंटा घूम जाए, नहीं सिर्फ 500 मीटर तक चल सकते हो, ज़्यादा नहीं, हाँ बिल्कुल, वज़न तो अभी 10 किलो से ज़्यादा उठाना नहीं है, और उसके बाद ज़्यादा देर बैठना नहीं है, ज़्यादा देर खड़ा नहीं होना, आधा घंटा खड़ा हुआ है तो थोड़ी देर बैठ जाओ, और पूरे दिन में पूरे दिन काम करते हैं उसमें बीच बीच में आपने दो दो घंटे रेस्ट करना, 15 मिनट के लिए भी आधा घंटे के लिए लेट जाओ, बैक पेन और जो साइड टीका वगैरह के लिए,
हाँ, एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट 2 दिन में ही आ जाएगा इनको, और हल्के हाथ से मसाज करनी है सिर्फ इन्होंने। हाँ, हमने कोई हाथ से दबाना नहीं है हथेली से, वो मांसपेशी फट जाती है वहाँ से और दिक्कत बढ़ जाती है उससे, हैं सिर्फ हल्के हाथ से पुश करना बस, ये हल्के से दवाई थोड़ी कम लगे तो और लगा सकते हो, दवाई में कंजूसी नहीं करनी है लगाने में, मालिश दवाई लगाओगे फिर ज़्यादा लगती है तो बाद में फिर पूछ लो, कपड़े से साफ कर लो उसको। और ये मसाज कर दिए हमने, और ये पॉलीथीन उतार के रख दिए, फिर थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के लिए ढक देते हैं इसको, 5 मिनट के लिए, पंखे एसी का कोई मतलब नहीं है, लगे रहने दो पंखे एसी को, ये नहीं कि भाई हमने पंखे एसी नीचे कर रहे हैं तो गलत हो, कर लो पंखे एसी नीचे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मसाज करनी है थोड़ी सी, जैसे हम हाथ से करेंगे ना तो ये जल्दी कर देगी कवर, हल्के हाथ से करनी है इसकी मसाज हमने, खासतौर यहाँ पे करनी है पिंडली के साथ में, यहाँ पे घुटने पे तक, दो चार मिनट करनी है। और इसी टांग के साथ साथ फिर दोबारा वैसे घुमाना है हमने, दूसरी टांग पे भी करना जिस पे नहीं है, ताकि नस में प्रेशर बने अच्छे से। हाँ, फिर फर्क लगेगा बिल्कुल। और ये जैसे साफ कर लो बिल्कुल कपड़े से, अच्छे से साफ कर लो, और लगा दवाई लगाने के बाद आधे घंटे बाद आप ठंडे पानी से या गर्म पानी से नहा सकते हो आप। हाँ, फ़ोन करके मंगा लो। हाँ, मालिश करने की दवाई मेरे पास ही मिलेगी। और एक बार मैं इसको खड़ा करता हूँ पेशेंट को, एक मिनट सीधे लेटना, सीधे लेट जाओ, एक बार सीधे लेट जाओ। इस पैर में दर्द था इनको, और यहाँ से हमने एक पॉइंट दबाना है, ये हमने दबाने के लिए एक चीज़ बना रखी है, हाथ से अच्छे से दबाएगी नहीं, और यहाँ से हल्का सा पुश करना है, हल्का हल्के हाथ से, ज़्यादा दबाना नहीं है बस, वैसे हल्का पुश करना, प्रेशर सा देना है बस, ऐसे देके कपड़े साफ कर दो, फिर इसको उंगलियों को बैठ जाओ। अब हाँ, अब ये ठीक हो जाएंगे, 2-3 दिन मालिश करने में आराम आ जाएगा। अब